कितना नुकसान कृषि डिपार्टमेंट को हुआ है और आगे भी क्या कर रहे हैं? ये नुकसान तो हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत हुआ है और लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तक इस मॉनसून में करीबन 300-350 करोड़ रुपए का जो असेट्स हमारे हैं वो बहे हैं, इसमें करीबन 3-4 ब्रिजेस बह गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है और भी नुकसान हुआ है, मगर उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। अभी पीछे जो हमारा बागीपुल इलाका है जिला कुल्लू में, वहां पर रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर जो है ब्रिज को वहां पर रिस्टोर किया गया है और नया ब्रिज वहां पर जो है बेली ब्रिज लगाया गया है। वैसे ही केदस इलाका है, वहां पर भी ब्रिज को लगाया जा रहा है। और भी ऐसे इलाके जो प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां पर हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इमीडिएटली रेस्टोरेशन करवाई जा सके ताकि लोगों को उसका फायदा मिले, खास करके पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल की अभी सेब का सीजन है और ये हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर सेब मंडियों पे समय पर पहुंचे ताकि उसकी सुविधा जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिले, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के निचले इलाके हैं, चाहे ऊना है चाहे कांगड़ा है, पिछले कल ऊना जिला के हरोली में भी काफी नुकसान हुआ है। वहां पे जो हमारे उप मुख्यमंत्री है आदरणीय मुकेश जी, उन्होंने जाकर मौके पर निरीक्षण किया है और जो भी सहयोग उसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा होगा उसको हम पूरी मजबूती से करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, इस विषय को लगातार मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, हमने भी जो हमारे कंसर्न मंत्री है उनके समक्ष उठाया है, मगर अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी सुविधा और समर्थन जो है केंद्र सरकार से किसी पैकेज के रूप में हिमाचल को नहीं मिला है। और मैं यही मेरा निवेदन रहेगा, प्रधानमंत्री जी अभी जो है वो केरला भी गए थे, वायनाड भी होकर आए हैं, उनसे हमारा उनसे निवेदन रहेगा, केंद्र मंत्रियों से निवेदन रहेगा कि वो हिमाचल भी आए और हिमाचल को भी इस मुश्किल घड़ी में अपना पूरा सहयोग और समर्थन दें ताकि यहाँ का जो रेस्टोरेशन एक्टिविटीज है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। सर, अभी तक कितनी टोटल सड़कें बंद है और आज देखा है कि फोर लेन में कोई टनल भी? अभी तक के क्लियर आंकड़े तो अभी मैंने आज अभी चेक नहीं करे हैं, मगर करीबन 150 से 200 की सड़कों के बीच का आंकड़ा रहता है जो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि सुबह शाम वहां पे मशीनें लगी है तो उनको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी जो आप टनल्स की बात कर रहे हैं या और चीजें हैं उस पर भी हमने पूरी निगरानी डिपार्टमेंट की भी है, हमारे जिला प्रशासन की भी है और जहां पर भी इस तरीके की कोई परिस्थिति बनती है उसको इमीडिएटली क्लियर करने का भी प्रयास करते हैं। और अगर कोई इवैक्यूएशन वहां पे करनी हो, कोई अगर कोई स्टैंडर्ड लोग वहां फंस गए हो उनको निकालने के लिए भी हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। सर, मौसम विभाग ने अभी तक जो है ना मौसम अलर्ट किया है, तो क्या डिपार्टमेंट अलर्ट पे, सरकार अलर्ट पे? नहीं, बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और रोज हम इसकी बैठक ले रहे हैं, रोज हम अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जहां पर भी लगता है कि कोई कमी पेशी है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, मशीनें डिप्लॉयड है और हर तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।